होपफुली आप सब खैरियत से होंगे. वेलकम बैक टू माय चैनल. इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है और अपनी मेहनत से कामयाब होकर कुछ बनना चाहता है. इसी के लिए वो सारी एफर्ट करता है. पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स उसके लिए स्कूल के बारे में सर्च हंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन दिलवाते हैं, उसके गोल सेट करते हैं. हम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करके कामयाब होना चाहते हैं. जब हम कामयाब कर रहे होते हैं या कोई भी काम अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारी फैमिली हमसे प्राउड फील करती है, हमें देख के खुश होती है, हमारे दोस्त हमसे खुश हो जाते हैं, हमारे दोस्त हमारी तारीफ करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा. और खुद सबसे ज्यादा जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो इन सबको हम करने के लिए, इन सबको हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. तो मैं इस पार्ट में सबसे ज़्यादा ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स की स्टडी लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है. अक्सर मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, जो बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करें, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन शायद राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे, तो हम क्या ऐसा मिसिंग कर रहे हैं. तो मैंने कुछ ऐसी टिप्स बनाई जो मेरी अपनी लाइफ में भी और जो मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को भी उन चीज़ों को अप्लाई करते हुए देखा और फिर देखा कि उनके ग्रेड्स और रिजल्ट में वास्ट इम्प्रूवमेंट आई. जर्नी लाइफ एक जर्नी है और एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपने सक्सेस के हर लेडर को क्रॉस करते हुए चले जाना है और अपने एवरलास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ने हैं. मेक श्योर कि आप कहीं पर भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो, आपको याद रखा जाए आपकी पोजीशन से, आपकी ग्रेड से, आपकी क्वालिटी से. तो आप मेक श्योर करें कि ये सब कुछ हैपन हो. इंसान की जिंदगी में ये सबसे मेमोरेबल पार्ट होते हैं और फिर जब वो किसी भी लाइफ के हिस्से में होता है तो सबसे ज़्यादा उसको अपना चाइल्डहुड या स्टडी लाइफ के बारे में वो याद करता है. तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद 10 बेस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी बनाए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको स्टडी हैबिट्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करने चाहिए. तो नंबर वन हैबिट जिसको आपने सबसे ज़्यादा जरूर लेके चलना है उन 10 में से, वो ये है कि आपने अपना आज का काम आज ही करना है, कल नहीं डालना. जो आपने आज सीखा है, जो आपने आज क्लासरूम में अपने बैठ के लर्न किया है, जो आपने आज का लेक्चर है वो आज ही प्रिपेयर करना है, उसको कल पर नहीं डालना. एक सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर आप एक बाइट लें और उसको अपने मुंह में डाल लें और खाना शुरू कर दें, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, लेकिन आप उसको अंदर नहीं करें, फिर 10 बाइट्स के बाद आप उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे तो आपको उस चीज़ का ना टेस्ट आएगा ना आप कोई और चीज़ ऑब्जर्व कर सकेंगे. लेकिन अगर आप उसको 1 बाइट करके करेंगे तो आपके लिए डाइजेशन भी ईजी होगी और आपको उसका टेस्ट भी फील होगा. तो स्टडी भी ऐसे ही है कि आप एक लेक्चर को, एक क्लास को उसके अकॉर्डिंगली करते रहें और जो आपने आज के अपने टास्क रखे हैं मेक श्योर करें कि आप उसको कल पर नहीं डाल रहे, उसको आपने आज ही कंप्लीट करना है ताकि आप कामयाब हो सकें. सेकेंड पॉइंट की तरफ अब चलते हैं. सेकेंड पॉइंट है मेरा कि आपने अपने टाइम टेबल बनाने, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है. आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मैंने यार ये सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है आज और मैंने इन चीज़ों को करना है. मेरा एक स्कूल का टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, ठीक है, मैं उसको कर रहा हूँ. उन सब्जेक्ट्स को करने के बाद, होमवर्क्स कंप्लीट करने के बाद, मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ जिसमें रूटीन है, जिसमें मैंने इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है और इस टाइम में मैंने ये चीज़ों को कवर करना है. तो मेक श्योर करें कि आपने उस टाइम टेबल को फॉलो करें. पूरी दुनिया में एक आपको डिसिप्लिन नज़र आता है और डिसिप्लिन की वजह से ही सब चीज़ें सीक्वेंस और ऑर्डर में जा रही हैं. और अगर भी आप भी टाइम टेबल बना के उसको सीक्वेंस में लाएंगे तो आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस आएगा और आप उसको एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकेंगे. तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपना टाइम टेबल बनाए, ऑर्गेनाइज करे, अपने स्टडी प्लेस को ऑर्गेनाइज करे, उसकी बुक्स उसके पास हों, उसकी नोट्स उसके पास हों, मेक श्योर करे कि उसने अगर 6 बुक्स से कंसल्ट करना है तो 6 की बुक्स हों उसके पास हों. बार बार वो अपनी जगह से ना मूव करता हो. अगर उसको वाटर बॉटल चाहिए, किसी स्टूडेंट को प्यास ज़्यादा लगती है तो वो अपने साथ वाटर बॉटल रखे ताकि वो बार बार अपनी जगह से ना उठे, डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो. तो ये चीज़ करें कि अपने आप को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अप्लाई करने की कोशिश करें. टफ होता है और शुरू में हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं लेकिन हम फिर उसको 2-3 दिन फॉलो करने के बाद बोर हो जाते हैं. तो मेक श्योर करें कि आप ऐसा नहीं करें बल्कि अपने आप को इतना डिटर्मिन बना रहे हैं कि जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं.
एक अच्छा स्टूडेंट की नंबर थ्री प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसने अपने गोल्स सेट किए, उसने अपने टारगेट्स सेट किए, व्हाट ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ, ये उसको पता होना चाहिए ताकि वो उसके लिए हार्ड वर्क स्टार्ट करे, ताकि वो उसके लिए मेहनत करे. उसको पता होना चाहिए यार मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ. अगर वो 30% पर है तो उसने 40% 50% पे एकदम से वो 90% पे जंप नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसको हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर मैं फर्स्ट मंथ में इतना अपने आप को इम्प्रूव करूँ, सेकंड में, फोर्थ में, फाइव में, और एट द एंड जब लास्ट मंथ मेरे क्लास का है, मेरे सेशन का है, तो मैं उसमें अपने आप को 90% पे रखूंगी. तो ये चीज़ें उसके जहन में होनी चाहिए, या वो क्या बनना चाहता है, तो उसके गोल्स क्राइटेरिया ये आहिस्ता आहिस्ता उसके चेंज भी होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे भी, इम्प्रूव भी होते रहेंगे, उसका विजन इंक्रीज होता चला जाएगा. तो उसने अपने गोल्स को राइट सेट करना है और उसको पता होना चाहिए कि व्हाट ही वांट टू डू. सेकंड इसमें आता है कि उसने अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है. नंबर वन प्रायोरिटी उसकी स्टडी होनी चाहिए, और कोई उसकी नहीं होनी चाहिए, और अपने आप को स्टडी से कमिटेड कर ले भाई कि मैंने अपना काम करना है और मैंने उससे ऊपर कोई और चीज नहीं. अगर कोई और चीज आ जाती है तो उसमें उसने अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, उसने किसी तरह से इस बैलेंस को ढूंढना. एक अच्छा स्टूडेंट हर चीज को बैलेंस वे में लेके चलने की कोशिश करता है, नेगेटिव एक्टिविटीज में नहीं होता. पॉलिटिकल डिस्कशन में अपने आप को इस तरह से इंडल्ज ना करें, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी. गैजेट्स मत यूज करें ज्यादा से ज्यादा. आपको आज कल ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी हैं, तो यही कि एक टैब पे आपने सर का लेक्चर सुन रहे हैं और दूसरे टैब पे यूट्यूब पे या कोई और गेम कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर नहीं देख सकते. लेकिन उसका क्या फायदा होना, आप क्या कुछ गेन कर पाएंगे, कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे. वो फन वो खत्म हो जाएगा आपको 10 मिनट बाद आपको याद भी नहीं आएगा यार आपने कितना स्कोर किया था, कितना कुछ किया था. लेकिन अगर आपने कुछ उसमें वर्थ फाइल टू रिमेंबर किया होगा, वर्थ फाइल टू स्टडी किया होगा, तो वो आपको याद आएगा और वो आपको आने वाले एग्जाम में, आने वाली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा सक्सेस ला के देगा. तो सोच लें कि आपने क्या करना है. आपने अपनी प्रायोरिटीज में नेगेटिव चीजों को दूर करना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो स्टडी से, उनसे दूर रहना है और अपने आप को राइट ट्रैक पे रखना है, जिसमें आपकी नंबर वन प्रेफरेंस स्टडी होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि हमारा है सेल्फ स्टडी. आपने सेल्फ स्टडी को मेक श्योर करना है. ये बहुत अच्छी हैबिट होती है कि आप जो सर से पढ़ रहे हैं, जो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद आके आपने उन पेजेस को, उन लेक्चर्स को रिवाइज करें, उसके बारे में सोचना, उसको गो थ्रू करें. अभी आपने सर से समझे, कोशिश करें कि आप उसी वे में अपने आप को समझाएं. आप अपने ही टीचर, अपने ही जज खुद बने. अवेल्युएशन स्टार्ट करें. सेल्फ स्टडी आपको बहुत हेल्प करेगी. आप अर्ली एज में जितना सीखते चले जाएंगे, फिर जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उतनी ही आपको सेल्फ स्टडी हेल्प करेगी. और इसको किसी भी लाइफ के प्रोसेस में आपको जब चीज़ों को खुद से पढ़ना और खुद से समझना आ जाएगा, तो आप इवन किसी चीज़ों के ट्यूटोरियल देख के ही सब कुछ सीखते जाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ स्टडी की तरफ लेके आए, उन चीज़ों को रिवाइज करें जिन चीज़ों को आपके टीचर या सर पढ़ा रहे हैं, और इस वे में करें कि जैसे आप अपने आप को समझा लें. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझा देते हैं तो एक्चुअली आपका अपना नॉलेज और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है. फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं. फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको फोकस करना है अपने वीक एरियाज पे, कि वीक एरियाज क्या है स्टडी के, आपके वीक एरियाज क्या हो सकते हैं स्टडी के. एक स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी को अकाउंटिंग डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसने उनको फेस करना है. क्योंकि हर सब्जेक्ट के इक्वलेंट मार्क्स होने हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट में उसका इंप्रेशन भी पड़ना है. तो आपने अपने सब्जेक्ट से भागना नहीं है. जैसे मैं अपने बचपन की बात बताऊँ तो क्लास 9th के अंदर मुझे केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती थी और मुझे नहीं होती थी और मैं उससे भागता रहता था. लेकिन एक टाइम आया जब मैंने अपने फ्रेंड को कहा गया मुझे समझाएं, और उसने मुझे समझाया, मुझे ट्रैक पे लगा दिया, तो उसके बाद मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी. तो वो मेरी वीकनेस से स्ट्रेंथ बन गई. तो हर स्टूडेंट अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सके. बस क्या करना है कि जो आपको पता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है या इस चीज़ में मैं बड़ा लैग करता हूँ, मेरे से सॉल्विंग नहीं होती, मेरे से इक्वेशन नहीं बनती, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते, मेरे से केस स्टडी नहीं सही समझी जाती, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है. जो चीज़ वीक है उसको आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ से, कि आप प्रैक्टिस करते जाएं, उसको इतना अच्छा प्रैक्टिस करें, उसको ब्रेक डाउन करें. केस स्टडीज आपको नहीं समझ आती, उसको 5-5-5-5-5-5 वर्ड्स में डिवाइड करके रीड करें. उसको आप ऐसे रीड करें जैसे वो आपके अंदर उतर रही है. तो आपकी वही चीज़ 1-2-3-4-5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन,
कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ इंजॉयबल लगे, क्योंकि जितनी चीज़ आपके माइंड को टफ लग रही होती है ना, उतनी आप उसको क्रैक करने में जोर लगाते हैं, और जब वो क्रैक हो जाती है तो सबसे ज़्यादा इंजॉय आप ही करते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है कि अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, उनकी प्रैक्टिस से भी आउट नहीं हो जाना, मेक श्योर करना है कि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिक्स टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने की नोट्स बनाने हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो मेरे पास एक लेड पेंसिल जरूर होती थी, मैं किसी भी लेवल पर होता, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, एसएससी के, तो मैंने हमेशा अपने साथ अपनी लेड पेंसिल रखी हुई, जिसको मैं साथ इसलिए रखता था ताकि मैं साथ साथ शॉर्ट नोट बना सकूँ। सर की बात सुन रहा होता तो यार मेरी आधी से ज़्यादा बुक उनकी छोटे छोटे पॉइंट्स से बनी होती थी, और वो बुक्स से ज़्यादा अच्छा वो जो पॉइंट्स मैंने लिखे होते थे वो बनाते थे। लेकिन जब आप घर में स्टडी कर रहे हैं और आपने सर की बातों को पढ़ना है या टीचर की बातों को पढ़ना है, तो आप उनसे भी अपनी लैंग्वेज में भी नोट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी लैंग्वेज समटाइम आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में या अपनी बात समझाने में आपको ज़्यादा अच्छा करेगा। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स से पूछा कि आपको क्या चीज़ हेल्प करती है स्टडी में, तो वो ये बात कहते हैं यार जो चीज़ हमने लिख ली होती है ना, जो चीज़ हम अपने थ्रू कर देते हैं या किसी के साथ डील कर लेते हैं या किसी को लिख के दिखा देते हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप मेक श्योर करेंगे आपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो आपको काम आएंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे, आपकी छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बात कि यार ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइटर यूज़ करें, आप कुछ भी जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है स्टिकी नोट्स यूज़ कर लें, उस पर आप लिख लें। आजकल काफ़ी ज़्यादा मैं अपने स्टूडेंट को स्टिकी नोट्स के साथ देखता हूँ, और वो अच्छे सक्सेसफुल होते हैं स्टूडेंट जो ये चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन जो ये कर रहे करते हैं। और इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाएं कि यार ये फार्मूला यहाँ से निकला, इसकी डेफिनेशन ये थी, इसकी ये थी, इसकी एप्लीकेशन ये हैं, इसकी एग्जाम्पल ये हैं, इसकी एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जब आपने गो थ्रू की भी होंगी और एक आपके जहन में मैप हमेशा याद रहेगा आपको, आपको शायद वो गो थ्रू नहीं रहेगी लेकिन आपके जहन में मैप एक इमेज की तरह, पोर्ट्रे की तरह आपके जहन में बनता जाएगा। चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं, इसको मेक श्योर करेंगे आप करें। सेवन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें यह है कि आपने बुक को रीड करना है, लेकिन इस वे में रीड नहीं करना कि जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे, कोई स्टोरी पढ़ रहे, ये आपकी कोर्स बुक है, ये आपका सिलेबस बुक है, आपने इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर अंडरस्टैंड करके उतारना है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप उसकी स्लो रीडिंग करें, उसको थॉरो होने के लिए ब्रेक डाउन करके आराम आराम से रीड करें ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कॉन्सेप्ट, और आपकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टडी का किसी भी लाइफ के हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो आपके मेमोरी में भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा, जो भी आपने चीज़ याद की होगी, रट्टा लगाया हुआ होगा बगैर समझे, तो वो थोड़े शॉर्ट टर्म में रहेगा और वो निकल जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप उसको समझ रहे हैं। यू डू नॉट रीड द बुक, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप उसको स्लोली रीड करेंगे। तो अब हम चलते हैं एट पॉइंट की तरफ, जो कि है सर्च करना। आप अपने जो भी टॉपिक आपको मिला हुआ उस पर सर्च करें, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, उसको देखें, उसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हैं, यार ये कैसे कंडक्ट हुआ, उसको और किसी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ओ लेवल को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको प्रेफरेंस ये रखता हूँ कि उनको एक बुक के साथ ना पढ़ाऊँ बल्कि 4 to 5 बुक से पढ़ाऊँ। उससे मेरी जॉब तो बढ़ जाती है लेकिन उससे उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है जो बच्चे इतनी बुक्स को फॉलो करते हैं। एक ही बच्चा जो फिजिक्स की 4 or 5 बुक्स को फॉलो कर रहा होता है, सुनने में ऐसा लगता है कि उसको 5 बुक्स याद करनी, 5 बुक्स नहीं, सब बुक्स में ऐसा ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती चली जाती है, जो आपके बच्चे के अंदर डायमेंशंस को, एक स्टूडेंट की सोचने की एबिलिटी को इतना ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं कि वो जस्ट एक एग्जाम्पल पर रिलाई नहीं कर रहा था, वो एक ही कॉन्सेप्ट को 5 डिफरेंट वे में पोर्ट्रे कर सकता है, जिस तरह से उसने 5 डिफरेंट पब्लिशर्स को पढ़ लिया। बस क्या है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो बच्चा स्टडी को इंजॉय कर रहा उसको इसका बेनिफिट अपनी लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ज़रूर नज़र आएगा कि यार मैं आज ये कर रहा हूँ, आज मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, इनोवेटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यू आइडियाज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और न्यू एप्लीकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने सर से भी नहीं सुनी, जो मैंने अपनी क्लास में भी नहीं सुनी, लेकिन मैंने ये अपने इंटरनेट से, अपने सर्च रिसर्च से, अपनी डिफरेंट बुक्स से
गैदर किया, तो वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नाइन्थ पार्ट ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वीकली कर रहे हैं, डेली बेसिस पे करने के बाद वीक में थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे आपका एक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने फर्स्ट थ्री डेज में जो काम किया उसको आपने रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन आपकी स्टडी में सबसे ज्यादा हेल्प का बायस बनती है। आप कोई भी बात याद कर लेते हैं आप थोड़ी अरसे बाद भूलने लगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता आपको भूलने लग जाती है, लेकिन अगर आप उनको मेक श्योर करें कि जो आपने की नोट्स की मैथ्स बनाए हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा तो उन नोट्स को गो थ्रू कर लें ताकि जब एग्जाम आए, आपके असेसमेंट्स आए, तो आपको इतना ज्यादा टाइम ना लग रहा हो उनको याद करने में। और समटाइम एग्जाम्स के अंदर कोई ब्रेक नहीं होती और आपने सब कुछ प्रिपेयर करना होता है, लेकिन अगर आप बिफोर एग्जाम ये सारी बातें कर रहे करते हुए आ रहे होंगे तो आप एग्जाम में अपने रिजल्ट को इतना शाइनिंग देखेंगे कि सारे उससे इम्प्रेस होंगे और आपके पेरेंट्स सब आपसे खुश होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने रिवीजन कंटिन्यू प्लान बनाना है, उस प्लान के अंदर जो आपने नंबर टू पॉइंट में टाइम टेबल उसमें एक डे रखें कि पूरे वीक का आपने कब रिवाइज करना है, अगर पूरे वीक में नहीं तो फोर्थ डे रख लें, फिफ्थ डे रख लें जिसमें आपने अपनी बातों को, और कोई पास पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, उस चैप्टर से रिलेटेड रिव्यू क्वेश्चन करने की कोशिश करें, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करके फाइंड करें इंटरनेट पर और उसको करने टेस्ट देते हैं ताकि आपको रिवीजन रहे आपकी और आप अपने सब्जेक्ट्स के अंदर शार्प होते चले जाएं। टेंथ टिप जो कि एक ऐसी टिप है कि उसके बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं और वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट देती है, वो है उसका हार्डवर्क। जितना स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होगा उतनी ही उसकी सक्सेस के चांसेस होंगे। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ये बात ऐसी नहीं कह जाती, नो पेन नो गेन ये बात भी ऐसी नहीं कह जाती। ऑब्वियसली जो अपनी स्टडी को इतनी प्रेफरेंस दे रहा है, अपनी स्टडी को प्रायोरिटी सही कर रहा है, टाइम टेबल बना रहा है, ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, अपनी स्टडी प्लेस को अच्छा कर रहा है, ये सारी बातों को फॉलो कर रहा है, नोट्स बना रहा है, सारी बातों को फॉलो कर रहा है, तो ये एक हार्ड वर्क है जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो ये आज का उसका हार्ड वर्क उसको कल को बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कभी पेंडिंग नहीं होने। तो 1 to 10 इन पॉइंट्स को आप लिख लें, याद कर लें, समझ लें, आप इनको अप्लाई करके देखें, सक्सेस आपकी ग्रंटेड है और ये अफेक्टिव वे ऑफ स्टडी है। जो भी इसको अप्लाई करेगा वो जरूर अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एजुकेशन में अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएगा। Hopefully you will apply these 10 best way to study effectively and success is waiting for you inshallah. Keep working hard, keep studying well and don't forget to subscribe my channel, do like, share and comment.